2022 के चुनावी संग्राम में विपक्षी पार्टियों को धूल चटाकर सत्ता की दूसरी पारी भी अपने नाम कर जीत हासिल करने वाले मड़िहान से दूसरी बार विधायक रमाशंकर सिंह पटेल अपने समर्थकों संग अपने विधानसभा क्षेत्र मड़िहान पहुंचे, जहां क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। इसी क्रम में मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल मड़िहान स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और मंडलीय पदाधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर उन्हें मां विंध्यवासिनी की प्रतिमा भेंट की और जीत की बधाई दी। इस दौरान पार्टी कार्यालय कार्यकर्ताओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि क्षेत्र और प्रदेश की जनता की जीत है। चुनाव में दुर्गा जी का दर्शन करेंगे, फिर हनुमान पहाड़ी पर भाई दिलीप चौहान ने सवा क्विंटल लड्डू पिछले बार भी माना था, इस बार भी माना था, उन्होंने चढ़ाया मैं नहीं पहुंचा। दुर्गा जी पर दर्शन करेंगे, माँ भंडारी देवी का भरपूर आशीर्वाद है। माँ भंडारी देवी के दर्शन के बाद अदरहाट मंडल में चाय पिएंगे, चाय पीकर सीधे आवास पर जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं और आम जनता के लिए किए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर इतने प्रचंड बहुमत से उन्हें और उनकी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का कार्य किया है, जिसके लिए वो हमेशा आभारी रहेंगे। मैं बधाई देता हूं अदलहाट मंडल के सभी अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पूरी मेहनत लगन के साथ पूर्वांचल में प्रचंड बहुमत दिलाने से जीत दिलाने। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी अधूरे कार्य बचे हैं उन्हें पूरा करने के साथ ही अपने क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता के विकास कार्यों को गति देने का कार्य भी करेंगे। वहीं अपना दल एस व भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी एवं छानबे क्षेत्र के नव निर्वाचित विधायक राहुल प्रकाश कोल भी 2022 के चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां लोगों ने जगह जगह पर उनका स्वागत सम्मान कर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। राहुल प्रकाश कोल जी का पुनः विधायक निर्वाचित होने के बाद प्रथम आगमन एवं स्वागत समारोह है। हमारे युवा टीम पूरी स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। इस दौरान छानबे विधायक राहुल प्रकाश कोल ने कार्यकर्ताओं संग बाबा बदेवरानाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के दौरान पूरे मंदिर परिसर में काफी संख्या में जनता की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने दोबारा विधायक चुने जाने पर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही विधायक राहुल प्रकाश कोल को जीत की बधाई भी दी। आज निर्वाचित होने के बाद पुनः वो विकास खंड छानबे में आज जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। वहीं छानबे विधायक राहुल प्रकाश कोल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता थी और आगे भी रहेगी। हम लोग तो एक जनसेवक के रूप में हमने कहा था कि हमें जनता ने सेवक बनाने का अवसर दे, हम जरूर उसको आगे अच्छा काम करेंगे। शेष आगे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल या तो निषाद पार्टी की एक मजबूत सरकार आपके सामने दिखाई दे रही है और केवल बस यही सुशासन का राज, राष्ट्रवाद, विकासवाद, नारी सम्मान, गरीब कल्याण, इन सभी पर फार्मूले पर काम सरकार करने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए सिंचाई के संसाधन मुहैया कराना और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कराना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। कहीं न कहीं हमें कुछ कमियां रह गई है शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई पर। हमें सड़कों पर काम अच्छा हुआ है, लेकिन बिजली का भी काम अच्छा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य, सिंचाई और। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्राथमिकता पर उसको कराया जाएगा। जनता ने विश्वास किया है और विश्वास पर उसको हम लोग 6 महीने के अंदर जमीनी स्तर पर काम करने।
काफी लंबे समय तक चुनावी गलियारों में चली राजनीतिक सरगर्मी के बाद अब नतीजे आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ गई है। प्रदेश की जनता ने तो बहुमत देकर अपना काम कर दिया है और अपने प्रतिनिधियों को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा दिया है, लेकिन अब बारी है उन जनप्रतिनिधियों की कि वो जनता से किए अपने विकास के दावों और वादों को धरातल पर ले आएं। कैमरा पर्सन ब्रजेश गोंड के साथ मैं सीमा शाही, इन विजन न्यूज़।